यूएस को हमारे एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं जो आज हमारे पैनल पर हैं, मितेश पंचाल और सोनी पटनायक। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी को सुबह उठ के आना काफ़ी तकलीफदायक होता है, बट आज बहुत दिन बाद हमारे साथ मितेश पंचाल भी जुड़े हैं, तो आइए चले शुरुआत उनसे करते हैं। मितेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की, हैप्पी न्यू ईयर। प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप खूब अच्छी तरीके से 2024 को बिताए, ऐसे हमारे भगवान को प्रार्थना है। डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग, और आपका भी 2024 का साल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे, हेल्थ से वेल्थ से, और मेरे जो सहयोगी है उनका भी 2024 बहुत ही अच्छा रहे, हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करें और हम लगातार कोशिश करते रहे कि अच्छे से अच्छे कॉल्स उनको दें। इसी शुभकामनाओं के साथ 2024 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कॉल होगा वो है अकल्य अमाइंस। केमिकल सेक्टर में बालाजी अमाइंस और अकल्य अमाइंस दोनों में हमको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, हमने स्पेशल रिपोर्ट भी रिलीज किया है, तो हमें लग रहा है ये स्पेस में बहुत ही बड़ी री रेटिंग होगी। और अगर आप दोनों शेयर देखें, अकल्य अमाइंस और बालाजी अमाइंस, तो बहुत ही लंबे अरसे से पीटी हुए स्टॉक्स है, कंसोलिडेशन में जा रहे थे। तो अकल्य अमाइंस में करंट लेवल पे 2537 के ऊपर हमारा बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 2285 और टारगेट रहेगा 2795। दूसरा जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है ग्रेव्स कॉटन। अगर आप ग्रेव्स कॉटन देखें तो 140 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिला है बेस्ड ऑन द मंथली एंड क्वार्टरली चार्ट्स, क्योंकि क्वार्टर एंड हुआ है तो क्वार्टरली पिक्स भी हमने निकाले हैं। तो ग्रीव्स कॉटन में हमें लग रहा है कि 140 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड। तो 136.25 रुपीज के स्टॉप लॉस से लेना है ग्रीव्स कॉटन को, टारगेट रहेगा हमारा 167.25। और लास्ट जो शेयर है वो हटसन एग्रो का है। हटसन एग्रो में भी हमें लग रहा है कि द वे बाय विच द स्टॉक हैज मूव्ड अबोव 1050 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है जो डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म हुआ है, तो स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा 1025 और टारगेट रहेगा 1252। ओके टर्न सर, आपके बढ़िया शेयर आपने निकाले, हेडसन एग्रो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है ये, और दूसरा मैं ग्रीव्स कॉटन को भी देख रहा था, ये शेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेट वगैरह भी नहीं है, और ध्यान रखा जाए कॉटन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंजीनियरिंग की कंपनी, इसका नाम है बस ग्रीव्स कॉटन। दूसरी बात, इसके आप लेवल्स नोट कर लीजिए 167 और 136 का स्टॉप लॉस। और एक आपने केमिकल्स कंपनी दी है एलमाइंस की, वो एक इंटरेस्टिंग शेयर है, जरा उसका भी टारगेट स्टॉप लॉस रखिएगा जरा स्क्रीन पर। तो ये तीन शेयर आपकी तरफ से, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीनों शेयर्स काफ़ी बेहतर होंगे। सोनी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और आप मेरे को जरा ये बताइए आप नए साल पे कौन से ट्रेड दे रहे हैं। 2023 ने तो आपने धमाल किया, बहुत ही बेहतरीन शेयर आपके मिले हमको। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, प्रियंका जी एंड मितेश जी, एंड आप सबको बहुत ही बहुत यू नो शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2024 आपका बहुत ही सक्सेसफुल और खुशी भरा रहे हमेशा। सो इसी नए साल की शुरुआत हम करेंगे, पहला स्टॉक जो मेरा रहेगा वो है संवर्धन मदरसन। बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट नजर आया है, 100 के ऊपर उसने वीकली क्लोजिंग भी दी है, काफी बार उसने 100 पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है जहां पे कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव होते थे, बट इस बार उसने 100 के ऊपर यू नो वीकली क्लोजिंग देकर एंश्योर किया है कि सारे कॉल राइटर्स वहां पे थोड़ा अपना पोजीशन शिफ्ट करेंगे बेस। सो 97.5 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा भी डिक्लाइन मिले टुवर्ड्स 100 तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं 97.5 स्टॉप लॉस, और टारगेट इसका 108-110 रहेगा। सो ये रहा पहला पिक। जो दूसरा पिक है वो है ग्रैन्यूल्स फार्मा, थोड़ा सा अभी डिवाइडेड है, सारे स्टॉक्स अच्छे नहीं है, बट ग्रैन्यूल्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए थे, सो यहाँ से एक 410 का एक उसका ब्रेकआउट पेंडिंग है। सो आई थिंक जब भी 410 के ऊपर यू नो ब्रेकआउट देगा तो काफी अच्छे से उसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको नजर आएगी। सो ग्रैन्यूल्स खरीद सकते हैं 395 स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 420 का रहेगा। अगर 420 के ऊपर सस्टेन करता है वहां पे एक और पोजिशनल टारगेट आपका बन जाएगा टूवर्ड्स 440। सो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, टेक्निकल ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट नजदीक है। सो डेफिनेटली ये दोनों पिक्स ऊपर के लिए अच्छे लग रहे हैं। ओके ठीक है, बिल्कुल सोनिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, और ऐसे दमदार पिक्स आप हमारे व्यूअर्स को देती रहें। चलिए